हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग मैं चलिए शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो देखिए, मैं सबसे पहले बिस्तर को झाड़ के साफ कर दे रही हूँ और इसके बाद मैं झाड़ू करूँगी। और यही ड्यूटी रहती है हम ये इंडियन महिला जो गांव से रिलेटेड है या हाउस वाइफ है, सबका यही सबसे पहला मॉर्निंग का ड्यूटी रहता है। तो इधर मैं साफ करके बेड को और मैं झाड़ू लगा रही हूँ और रोज़ ही साफ करती हूँ। सुबह शाम तो हम लोग का काम ही रहता है झाड़ू पोछा करना, तो शाम को तो लगाती हूँ लेकिन फिर भी रात भर गंदा हो ही जाता है, बच्चे का घर है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, बेडरूम से शुरू कर रही हूँ और बरंडा सब में भी झाड़ू लगाना है। तीन रूम है मेरा, बेडरूम तीन को, तो उसमें भी झाड़ू लगा कर इधर मैं बरंडा में झाड़ू लगा रही हूँ। तो मेरा थंबनेल देख के आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये क्या लगाई हूँ, कौन कौन सा थंबनेल लगा ली हूँ। तो ये थंबनेल जो मैंने लगाई है, ये मेरे आसपास के गांव में ही रहते हैं, मेरे सामने ही रहते हैं, महज 2 किलोमीटर दूर होंगे हो गए उन लोग का घर। तो उन लोग का जो इस साल 2020 जो है बहुत ही ख़राब गुजरा है। तो बड़ा यूट्यूबर है लेकिन उन लोग के साथ बहुत बुरा घटना इस साल हो गया है। जैसे कि ज्योति श्रीमा, तो कुछ दिन पहले ही उनकी बहन का डेथ हो गया है। तो लास्ट वीडियो मैं उनका देखी, तो इस वजह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये टिकटॉकर जो फेमस थे डांसर सनातन, तो उनकी माँ जो मनसा पूजा के दिन तालाब में डूब के उनका डेथ हो गया था, तो उनका भी मैं वीडियो हमेशा देखते रहती हूँ। तो उस टाइम मैं नहीं वीडियो में कुछ बोल पाई, उस टाइम शायद वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो और जो है मनोज दे जी, मनोज दे का तो मेरी बेटी बहुत ही बड़ी फैन है, वो उनका हर वीडियो देखती है और उन्हीं का वीडियो देख देख के यूट्यूब वो चलाना सीखी है। जब हम लोग को कुछ पता नहीं था कि एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, हर तरह की जानकारी उनके पास है। और उनका बोलने का लैंग्वेज बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ही सरल भाषा से समझाते हैं, तो हम लोग को समझ में आ जाता है। नहीं तो दूसरे जो यूट्यूबर हैं उनका भाषा समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसे बोलते हैं ना कि जो जिस देश में रहते हैं उसी देश में आदमी ढल जाता है, तो उसी देश का भाषा, उसी राज्य, उसी गाँव का भाषा आपको समझ में आता है। तो बस और वही, और इसका रीज़न है कि बोलने का रीज़न है कि मनोज दे का भी एक मैक्स जो उनका डॉगी था बहुत ही प्यारा, और वो बहुत प्यार करता था उसको, तो उनका भी डेथ हो गया था। तो वो भी एक यूट्यूब वीडियो में रो रहे थे, तो हमको बहुत बुरा लगा उसका वीडियो देख के। तो उस टाइम मैं उसका बारे में कुछ नहीं बोल पाई, तो इस वीडियो के माध्यम में उन जो बड़े यूट्यूबर है ज्योति श्रीमा, तो मनोज दे और सनातन डांसर सनातन, तो उन लोगों के साथ जो हादसे हुए हैं, तो उसके लिए उसकी माँ को, डांसर सनातन की माँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। और मेरी तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि है इस वीडियो के माध्यम से। और कोई भी वीडियो देखिएगा तो ये कमेंट मत कीजिएगा कि मैं प्रमोशन के लिए उनके नाम से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे उनका वीडियो देख के मुझे भी दुख हुआ इस वजह से। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे वीडियो की ओर। तो देखिए, इधर मैं पीछे तरफ पूरा सफाई कर ली हूँ, झाड़ू लगा ली हूँ। इधर बहुत पत्ता गिर जाता है, पीछे तरफ आम का पेड़ है, बहुत सारा पेड़ मेरे हस्बैंड लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं तो काम और भी बढ़ जाता है। और तो क्या डरना, अपना ही तो काम है, करते रहना चाहिए, इसे डरना नहीं चाहिए। और कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, तो जब होने रहता है तो होके ही रहता है।
क्योंकि यहाँ पर किसी को अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, धर्मबाद के डॉक्टर हैं, उन पर थोड़ा विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर कुछ हो भी जाता है तो ही मन में रहता कहाँ ले जाएँ कहाँ ले जाएँ, क्योंकि हर कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ तो खराबी मिलता ही है, लेकिन क्या करें जब हड़बड़ी में होता है तो हमने कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो हम लोग को तो ना ही भगवान है ना डॉक्टर है, हम जो डॉक्टर बोलेंगे वही सुनना पड़ता है। देखिए सर भी बहुत सारे घर में बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं तो झाड़ू नहीं लगाने से बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, शाम को उतना रोज़ नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। तो देखिए इधर मेरा झाड़ू हो गया है। और जो मैं बात कर रही हूँ तो ज्योतिश्री महतो और मनोज दे और डॉक्टर सनातन, ये एक ही गांव के हैं और महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे घर से। तो मैं नहीं भेंट की हूँ उनसे, अभी टाइम है, कभी मैं जाके उनसे मिलूँगी। तो बस उनका खाली वीडियो देखते रहती हूँ और जानकारी लेती हूँ, क्योंकि मुझे उतना यूट्यूब नहीं चलाने आता था। तो मनोज दे का वीडियो देख देख के मैं वीडियो चलाती हूँ, एडिट करती हूँ, किस तरह से थंबनेल लगाया जाता है उसका सब तरह का वीडियो उनके चैनल से मिलता है। और वहाँ उनका जो गांव है वो मेरी गोतनी का मायके है, तो बस 10 घर के पास बगल में ही उन लोग का घर है। तो उस हिसाब से मेरी ज्योतिश्री महतो बहन ही होगी और डॉक्टर सनातन और मनोज दे मेरे भाई होते हैं, और भाई मानूंगी क्योंकि मेरे देवरानी की मायके से है, तो मेरा भी मायका हुआ इस वजह से। तो बस इधर मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के, तो इधर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो था उसमें सबसे पहले मैं आटा ले ली हूँ एक बर्तन में, और उसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और इधर हल्दी मिर्ची पाउडर और नमक डाल देती हूँ, इसका मैं चीला बनाऊँगी। और खोठा में बोलता है कि इसको छिलका, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। ये चीला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास कोई भी नाश्ते की खाने का सुबह सुबह अगर नहीं है तो आप झटपट चीला बना के खा सकते हैं, और बच्चे को भी बहुत पसंद लगता है। और इधर मैं मिर्ची थोड़ा सा ही डाल रही हूँ क्योंकि निक मेरा चीला को बहुत पसंद करता है, तो इस वजह से। तो इसका एक मीठा चीनी डाल के भी होता है, लेकिन अभी मैं चीनी वाला नहीं बनाऊंगी, वो जब मैं फास्टिंग रखती हूँ तभी उस टाइप का चीला बनाती हूँ। तो इधर मैं चीला की प्रिपरेशन कर रही हूँ पानी डाल के। सुबह मैं रोटी सब्जी भी बनाई हूँ, तो अभी मुझे चीला खाने का बहुत ही मन कर दिया था, तो मैं अभी चीला बना उसी वजह से मैं चीला बना रही हूँ। तो ये बनते देख निक बहुत ही खुश हो रहा है कि उसको आज चीला खाने को मिलेगा, क्योंकि उसको चीला बहुत ही पसंद है। तो इधर गैस में मैं तो चढ़ा दी हूँ और इधर तेल डाल के उसको चारों तरफ से फैला लूँगी, क्योंकि तेल एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है तो इसको फैलाने से चीला चिपकेगा नहीं। तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाऊँगी और उसको फैला दूँगी चारों तरफ। इसका एक बहुत तरह से चीला बनता है, बेसन का भी बनता है, आटा का और चावल का भी बनता है। चावल का तो वो टेस्टी लगता है बनाने से, मैं उसमें कद्दू डाल के, तो चावल का मैं कभी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं झटपट नाश्ता बना रही हूँ तो मुझे यही नज़र आया था, अभी मैं यही बना रही हूँ। देखिए निका के कैसे खड़ा होकर देख रहा कि कब बनेगा चीला।
और इधर मैं चार चढ़ा रही हूँ, तो ये चिल्ली के साथ चाय में पीऊँगी। चाय के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। आप ऐसे टमाटर का भी सॉस लेके भी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको चाय के साथ खाऊंगी। और देखिए एक साइड से कितना सुंदर कलर आ गया है, पलट दी हूँ मैं और दोनों साइड से इसको पका लूँगी। और ये बच्चे बहुत ही आसानी से खा जाते हैं, क्योंकि आप एक सूखा रोटी दीजिए तो वो कितना खाने में नखरे करते हैं। तो कोई भी खाना हो, और जैसे आटा है तो आटा का बहुत तरह का वैरायटी बन जाता है, तो अच्छे अच्छे वैरायटी बना के बच्चे को दीजिए। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ही फास्ट फूड खाना शुरू कर दिए हैं, वही सब उन लोगों को पसंद आता है, तो इस तरह से बना के दे सकते हैं। एक एक करके मैं सारे तीन चिल्ले ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। सुबह ऐसे रोटी सब्जी बना था, इस वजह से मैं कम ही बना रही हूँ। दोनों बच्चे का नाश्ता हो गया है, बाकी निक बाकी है, तो निक के लिए और मेरे लिए बन रहा है। हम लोग के गांव में बहुत सारा काम होता है, काम करते करते झाड़ू पोछा, बर्तन और साफ नहाना, कपड़ा खींचना, इतना करते करते हम लोग का 10-11 लगभग हो ही जाता है। कितना भी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग के एरिया आंगन और आगे पीछे बहुत सारा जगह रहता है खुला, उतना तो सुबह सुबह नहीं झाड़ू लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। और इतने सारे काम करते करते हम लोग का वर्कआउट हो जाता है, कोई भी एक्सरसाइज करने का ज़रूरत नहीं है। और शहर में क्या होता है कि उन लोग मेड रखते हैं, हम लोग गांव में कोई मेड नहीं होता है, सारा झाड़ू पोछा खुद करना पड़ता है, तो इस वजह से हम लोग का शरीर फिट रहता है। इतना सारा काम अगर सब कोई करे तो सबका शरीर फिट रहेगा। तो देखिए मेरा चिल्ला रेडी हो गया है, और चाय भी, और नीकू और हम अभी चाय और चिल्ला खाएंगे। और उस देखिए उसको अभी गर्म लग रहा है, दो चिल्ला ले लिया है, और वो मिर्ची निकाल रहा है, थोड़ा बहुत मिर्ची मिल रहा है, तो मिर्ची बोल रहा है कि मिर्ची दे दी है। तो बस मैंने इधर चाय और चिल्ला लेके नाश्ते करने के लिए बैठ गई हूँ। अरे ही मैं अगर सूखी रोटी और सब्जी इसको दूंगी तो ये नहीं खाता है, तो खाने का भी बहुत तरह का वैरायटी है, अलग अलग रूप है, तो अलग अलग रूप बना के वैरायटी बना के आप बच्चों को खोद दीजिए। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आज का वीडियो मैं पूरे दिन का वीडियो बनाई थी, मॉर्निंग टू इवनिंग, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैं इसको आधा आज दिखा रही हूँ, पार्ट 1। और लंच का वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी।